इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां घायल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अस्पताल में इलाज जारी है। कल रात डॉक्टर्स ने जो मेडिकल बुलेटिन दिया था, उसमें बताया गया कि ममता के बाएं पैर के एड़ी में गंभीर चोट आई है। इसके अलावा बाएं पैर में चोट है, दाहिने कंधे पर चोट लगी है, साथ ही गर्दन में भी चोट मिले हैं। SSKM हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि ममता बनर्जी ने सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी की भी शिकायत की है। इस बीच चोट के मामले में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। यही नहीं, बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले में डायरेक्टर सिक्योरिटी और चीफ सेक्रेटरी से अपडेट मांगा है। साथ ही बीजेपी ने भी इस पूरी घटना की CBI जांच की मांग की है। कल नंदीग्राम से लौटते वक्त CM ममता बनर्जी घायल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ममता बनर्जी ने इसके पीछे साजिश बताया है। तो आप ये अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं नंदीग्राम में। ममता बनर्जी शाम को करीब 6 बजे उन्हें ये चोट लगती है, जिसके बाद उन्हें वहाँ से तुरंत करीब 6:30 बजे कोलकाता के लिए रवाना किया जाता है। और देख सकते हैं कि उस दौरान ममता बनर्जी काफ़ी दर्द में थी। वो मीडिया से जब बात कर रही थी, तब उन्होंने बताया कि इसके पीछे साजिश है, 3-4 लोगों ने उन्हें धक्का मारा था। उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उनका SSKM में फिलहाल इलाज चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।